अभी बज रहे हैं दोपहर 12 और केजी आ रहा है भोजपुर। गाइस महाशिवरात्रि की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाकी का ब्लॉग आगे मिलते हैं। ये अभिजीत है, अभिजीत और केजी आ रहा है, मैं पेपर के लिए पढ़ाई करूंगा। पेपर हम लोगों के भी हैं लेकिन महादेव से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। मेरी भी मांग लेना भाई। सो गाइस अभी अपन बस निकल रहे हैं भोजपुर के लिए। वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। अवेंजर अवेंजर बूम बूम बाय। ये बेचारा घर पे अकेला छूट गया है। भाई साहब को बहुत बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, इसलिए मैंने इसी को दे दी। ठीक है मैं पीछे बैठा रहूंगा। ये बड़ी दुविधा है, कहीं भी जाओ पैसे खर्च करना जरूरी होता है, पेट्रोल की मारा मारी, ऊपर से गाड़ी भी साला पेट्रोल नहीं खून पीती है। चलते चलते हम लोगों को भूख लगाई है थोड़ी, मंदिर काफी दूर है तो यहाँ पे हम लोग समोसे खाएंगे और फिर भोलेनाथ के पास तो जाना ही है, तो जाएंगे जरूर जाएंगे। समोसा खा लो गाइस, बहुत टेस्टी है। एक एक समोसे से कुछ नहीं हुआ तो कचौड़ी भी। रास्ते में भोलेनाथ का प्रसाद मिल गया है, प्रसाद गोपी। सो गाइस गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगानी पड़ेगी और यहाँ से अब तो यहाँ से अब हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चले जाएंगे। भाई चाबी ध्यान से रखना भाई, पिछली बार तूने खो दी थी। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। भाई रास्ते में हम लोगों को टीका भी लग गया है, अच्छा लग रहा है। भाई तो टीका लग चुका है, लग रहे हैं वक्त। यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, अभी बहुत चल रहा है यार, क्या करें, चलना तो पड़ेगा। फाइनली रास्ते आने वाले। गाइस ये मंदिर अभी अंदर जाने को नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ है, तो हम लोग बाहर से दर्शन करके अब वापस लौट रहे हैं। गाइस क्राउड देखिए आप, हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली हम लोग वापस घर आ गए हैं और हमारा भोजपुर का टूर पूरा हुआ।
तो वंस अगेन महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, और महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके सारे काम पूरे हो जाएं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय भोलेनाथ की।